कमलनाथ जैसे मुख्यमंत्री जो इस मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से गुमराह करते रहे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा होंगे, चाहे संजय पाठक होंगे, चाहे भूपेंद्र सिंह होंगे, चाहे अरविंद भदौरिया होंगे, चाहे हमारे संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी जी होंगे, उनके घरों पर पुलिसिया कार्रवाई करना गुंडागर्दी का प्रतीक है मध्य प्रदेश के अंदर। और कमलनाथ जी और इस सरकार को मैं आगाह करना चाहता हूं कि हम तो संघर्ष से निकले हुए लोग हैं, आप किसको डराने का प्रयास कर रहे हैं? आप गलतफहमी में हैं। जितना आप लोगों को डराने का प्रयास करेंगे और आक्रमण करने का प्रयास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर उतर के इन सारी जो घटनाएं आपने की है उनका एक एक का जवाब कमलनाथ जी आपकी सरकार को और इसके पीछे जो है मिस्टर बंटा ढार, उनको भी जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। चर्चा करने के बाद उनका जो हिम्मत है वो इस चुनाव समिति की बैठक में उन्होंने लिया है। जो नाम तय हुए हैं उस पैनल को बंद लिखाने में केंद्रीय नेतृत्व को आज हम भेज देंगे और जब नॉमिनेशन होगा उस समय जो प्रत्याशी थे होंगे केंद्रीय नेतृत्व। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर अब लोकतंत्र नहीं बचा है। जिन आंकड़ों की आपने बात की, मध्य प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं वो आपको सबको पता है और जल्दी वो सारी चीजें आपके सामने आएगी। जो नॉमिनेशन होंगे तब सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। धन्यवाद। देखिए ऐसा होता है कि केंद्रीय नेतृत्व को हमने अपना पैनल बना करके भेज दिया, उसमें केंद्रीय नेतृत्व का अधिकार है, वो जो तय करेंगे वो तय होगा।